Redmi लर्निंग ऐप, इसे आप डाउनलोड कीजिए अपने iOS और अपने एंड्रॉयड बेस्ड किसी भी फ़ोन में, और आपको ऑप्शंस मिलेंगे काफ़ी अलग अलग एजुकेटर्स के जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे जो भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं। और ये जो नीचे आपको लिंक दिखाई दे रहा है इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको इसका लर्निंग ऐप वर्जन डाउनलोड करना है, ठीक है। जो आज की हमारी क्लास होगी वो होगी मैथमेटिक्स के लिए प्रॉफिट लॉस पर, इस पर बेस हमारे क्वेश्चन होंगे। और देखिए यहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस दिखाई देंगे, लेकिन ये जो फ़ोन्स हैं हिंदी के ये थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने की, बाकी मैं हिंदी में आपको समझाऊँगा अभी, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक कोई प्रिंसिपल है मूल रुपए है 900 रुपये और इस पर 81 रुपये ब्याज, मतलब 81 रुपीज़ इस पर इंटरेस्ट जो है लेने के लिए आपको 4.5%, मतलब 4.5% का ब्याज आपको लगाना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन है कि कितने टाइम कितना होना चाहिए, मतलब समय अवधि उसकी कितनी होनी चाहिए, 2 साल, 3 साल, 1 साल या 4 साल। तो देखिए अभी ये देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ प्रिंसिपल मतलब मूल राशि जो है 900 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपको ब्याज चाहिए उसका 81 रुपीज़, और जो इसकी रेट है ब्याज दर है वो है 4.5%। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें जो SI है ये है साधारण ब्याज, जो P है ये है मूलधन, और ये जो R है ये है आपका इंटरेस्ट रेट। तो इसमें आपको सिंपल जो भी यहाँ ऊपर आपको वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं वो आपको पुट करनी है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। देखिए यहाँ 100 ऐसे ही है, सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ 81 रुपीज़ था यहाँ हमने रख दिया, प्रिंसिपल 900 रुपये था ये रख दिया, रेट जो है वो 4.5% ये रख दिया, और इसे सॉल्व किया हमने आया 2 साल। तो जो ये 2 ईयर्स है 2 साल ये आपका आंसर है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, अरुण है कोई भी एक लड़का, उसने 1400 रुपये का लोन लिया सामान्य ब्याज की दर से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के टाइप से उसने लोन लिया, और उसकी जो समय अवधि है मतलब जो टाइम है वो उसके इंटरेस्ट रेट के बराबर है। तो अगर उसने जो इंटरेस्ट दिया मतलब ब्याज उसने दिया वो 686 रुपये है, तो आपको बताना है कि जो ब्याज दर थी वो कितनी थी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये एक बार देख लेते हैं। अब देखिए जो ब्याज दर है उसे हमने आर परसेंट मान लिया, जो समय था वो इसके बराबर था तो इसे भी हमने आर मान लिया, और जो मूलधन है वो 1400 रुपये हो गया जितने का उसने लोन लिया था, और जो इंटरेस्ट है जो उसने ब्याज दिया वो 686 रुपये। तो यहाँ देखना क्या है कि फॉर्मूला हमने लगाना है सिर्फ, और फॉर्मूले में करेंगे हम क्या, यहाँ ये साधारण ब्याज है ये हमने यहाँ रख दिया, जो मूलधन है वो हमने 1400 रुपये लिख दिया यहाँ, ये आर जो ब्याज दर है आर हमने रख दिए, और इसी तरीके से जो समय है टाइम है वो भी आर के ही बराबर है जैसा कि हमने यहाँ देखा था। तो यहाँ क्या हो गया, टी की जगह आर हो गया। अब ये होगा क्या, सिर्फ सॉल्व करना है, 686 रुपये यहाँ हो गया, ये जो 1400 रुपये था ये 100 से भाग होकर 14 रुपये रह गया, 14 रह गया सिर्फ 14, और आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वेयर हो गया। अब 14 को इसके नीचे लाके आप डिवाइड कर दोगे तो बचा 49 और आर स्क्वेयर। अब सिर्फ आर निकालने के लिए, ब्याज दर निकालने के लिए 49 का हमें स्क्वेयर रूट निकालना पड़ेगा, मतलब वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7। तो 7% आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कोई भी मूलधन है, कोई भी मूलधन है मतलब एक प्रिंसिपल है, कोई भी अमाउंट है उस पर ब्याज दर जो भी आपने लगाया उस पर आपको 1815 रुपये ब्याज उसने दिया 3 साल में, और 4 साल में उसने दिया 854 रुपये। तो आपको बताना है कि मूलधन क्या है, इंटरेस्ट रेट है जो है दोनों पर सेम रहेगा। तो क्वेश्चन को समझिएगा, 3 साल में 815 रुपये ब्याज मिला आपको, 4 साल में 854 रुपये मिला आपको, आपको प्रिंसिपल बताना है मतलब मूलधन बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सिंपल सा तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आपको 1 साल में आपने जो ब्याज देना है वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो करना क्या है,
4 साल के ब्याज में से 3 साल का ब्याज माइनस कर दोगे तो 1 साल का आ जाएगा, मतलब 854 रुपये में से 815 रुपये माइनस कर दिया तो आया 39 रुपये, ये आपका ब्याज है 1 साल का। अब इसे 3 से गुणा करके 3 साल का आ जाएगा, मतलब 39 को 3 से गुणा किया 117 आ गया। अब आपको 815 में से 117 माइनस करना है, मतलब 3 साल में से 3 साल के जो रुपए थे आपके उसमें से आपको सिर्फ ब्याज माइनस करना है, मतलब 815 रुपए आपको 3 साल में मिले तो आपको 3 साल का जो इंटरेस्ट है ब्याज है वो माइनस करना है, और माइनस करके ये आया 698 रुपये। तो ये आपको प्रिंसिपल पड़ा, मतलब मूलधन जो आपका था वो 698 रुपये, और इस हिसाब से इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है किसी मूलधन पर 929 रुपये 20 पैसे जो है वो साधारण ब्याज आपको मिले 8% के हिसाब से 5 साल में, तो आपको बताना है कि मूलधन क्या था। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपको हर बार लगाना पड़ेगा। यहाँ आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है ये इतना, प्रिंसिपल मतलब मूलधन आपको निकालना है, और समय दिया हुआ है 5 साल, और ब्याज दर आपको दी हुई है, रेट दिया हुआ है आपको 8%। ये इसका फॉर्मूला है, इसमें आपको सिर्फ पुट करना है, 100 की जगह 100 आ गया, साधारण ब्याज की जगह 929 रुपये 20 पैसे आ गया, आर मतलब रेट की जगह ब्याज दर आ गई, और समय की जगह 5 साल आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आएगा जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 2323 रुपये, मतलब इसका ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोई भी एक पर्सन है उसने 5000 रुपये लिए, ठीक है, एक व्यक्ति ने 5000 रुपये लिए दो साल के लिए 4% पर, और उस पैसे को उसने किसी दूसरे आदमी को दे दिया ब्याज पर, कितने दर से, 6.25% की दर से 2 साल के लिए, मतलब ये कि एक से पैसे लेके किसी दूसरे को उसने दे दिए 2 साल के लिए, तो आपको बताना है कि उसे कितना फ़ायदा होगा। और यहाँ देखिए पर ईयर लिखा हुआ है, मतलब हर साल आपको बताना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कई बार ऐसा होता है कि ये घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, पर ईयर मतलब 1 साल का बताना है और यहाँ 2 साल की बात चल रही है। तो ये होगा कैसे, होगा ये कि एक पर्सन ने 5000 रुपये लिए 2 साल के लिए 4% पर, और उसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% पर दे दिए। तो अब क्या करेंगे, 6.25 में से 4 को घटा देंगे ताकि ये पता चले कि उसे फ़ायदा कितने का होना है। तो यहाँ आया 2.25, मतलब 2.25%। तो अब इसको यूज़ करते हुए हमें 1 साल का निकालना है। तो सिंपल फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, मूलधन ब्याज दर समय और बटे में 100। तो ये मूलधन, ये आ गया आपका ब्याज दर, और ये आ गया आपका समय, और बटे में 100। इसे आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 112 रुपये 50 पैसे। तो ये आ गया 112 रुपये 50 पैसे, इसका आंसर सही हो गया डी। ठीक है, एक नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको बताना है किसी मूलधन का साधारण ब्याज जो है उसका अनुपात 5 साल और 15 साल में कितना होगा। तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, मतलब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, और यहाँ जो प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है वो पी, ब्याज दर है वो है आर, ये दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि दोनों ही केसेस में चाहे वो 5 साल हो चाहे वो 15 साल हो, मूलधन तो मूलधन रहेगा और रेट तो मतलब ब्याज दर तो सेम चल रहा है। तो इस वजह से करेंगे क्या कि यहाँ जो समय है सिर्फ उसे हम भाग कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ये करना है कि जो भी ये दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है समय अवधि 5 साल, इसको ऊपर रख लिया हमने, और जो बाद में दिया हुआ है 15 साल, इसे नीचे रख लिया, और इसे हमने जितना कट सकता है काट दिया। तो 1/3, तो ये जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:3, मतलब 1:3। तो इस वजह से इसमें कुछ खास फॉर्मूला नहीं लगना है, सिर्फ उलझाने के लिए एक आधी बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो उसको दिक्कत आएगी, लेकिन जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसको इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है
कि किसी मूलधन पर साधारण ब्याज जो रहता है, सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है, वो 9,800 रुपये हो जाता है 5 साल में, और 15 साल में हो जाता है 12,005 रुपये। तो यहाँ ब्याज दर आपको बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से आप देखेंगे वो बताता हूँ आपको। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो साधारण ब्याज है 3 साल में, वो होगा कैसे, 12,005 में से 9,800 आप घटा दीजिए, ठीक है, तो ये आया 22, ये 2,205 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए क्या रहेगा, 2,205 को आप गुणा, ये भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 3 से, और जो आंसर आएगा उसे आपने गुणा किया 5 से, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3,675। अब आपने निकालना क्या है, जो प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है, वो आपको करना है 9,800 में से आपको माइनस करना है ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो आपने माइनस किया, आंसर आया 6,125 रुपये। अब 6,125 को आपको फॉर्मूले में पुट करना है, और आपको रेट का मतलब ब्याज दर का फॉर्मूला लगाते हुए इसको सॉल्व करना है। सिर्फ ये देखिए, 100 का 100 रख दिया हमने, साधारण ब्याज को हमने ले लिया 3,675 रुपये जो हमने यहाँ निकाल लिया था, और यहाँ आया आपका ये प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और समय जो था वो 5 साल। तो इस तरीके से इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, जितना कट सकता है उतना इससे काट दीजिए, ये जो बीच में भाग का निशान है इसे देखकर, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 12। तो हमने क्या निकालना था, ब्याज दर, तो यहाँ ब्याज दर निकला है 12%, मतलब इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे प्रॉफिट लॉस के, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है सॉल्व करने में। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो मतलब आप पूरा सॉल्व कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। तो आप आलस ना करें, और बिना कॉपी पेन के, बिना रजिस्टर पेन के इसे सॉल्व करने की कोशिश भी ना करें। मैथ्स कभी पढ़कर समझ नहीं आता है, करके समझ आता है। तो इस बात का ध्यान रखें, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर स्प्रेड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और आगे आपको इसी टाइप की वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी।